सो अगर आपको एक 4K 43 इंच स्क्रीन साइज का टीवी चाहिए, वो भी बजट प्राइस सेगमेंट पर, यानी अगर आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, आप 22,000 से लेकर 30,000 तक इन टॉप 10 टीवी में से किसी भी एक टीवी को परचेज कर सकते हो और आपके लिए वो बेस्ट डील होगी, क्योंकि बेस्ड ऑन प्राइस इस इन जो 10 टीवी आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसका जो परफॉर्मेंस प्राइस का हिसाब से बिल्कुल आपको जस्टिफाइड होगी, तो इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले। और इन टीवीज को अभी जो फ्लिपकार्ट के ऑफर चल रहे हैं बिग सेविंग डेज, आप अभी अगर परचेज करोगी तो थोड़ी बहुत आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगी। सो आप कोशिश करना, अगर आप अभी सर्च प्रोसेस में हो या फिर परचेज करने के लिए प्लान में हो, तो आप इन्हीं टीवी में से किसी भी एक टीवी को कंसिडर कर सकते हो। और वीडियो का लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, अभी ये जो टॉप 10 टीवीज 4K 43 इंच स्क्रीन साइज का बारे में बात करने वाले हैं, प्राइस 22,000 से लेकर 30,000 तक, आपके लिए कौन सा टीवी बेस्ट रहेगी वो भी बताने वाले हैं। यानी अगर आपका बजट लेस देन 25,000 है तो आपको कौन सा टीवी को चूज करना चाहिए, और अगर आपका बजट अप टू 30,000 है, 28 से 30,000 है, तो आपको कौन सा टीवी को चूज करने वाले हैं, इस ये भी बात करने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो टीवी है मैं इस वीडियो में कंसिडर इसलिए नहीं किया हूँ, क्योंकि इस ऑफर का टाइम पर भी आप अगर उन टीवीज को जाकर प्राइस चेक करोगी तो आपको ओवर प्राइस लगता है, अभी भी ऑफर का टाइम पर भी, और उतना कुछ आपको फीचर भी नहीं मिलता है। सो भाई ऑफर का टाइम पर एप्पल का फ़ोन में भी ऑफर पर मिल रहा है, तो ये जो मीडियम प्राइस सेगमेंट, बजट प्राइस सेगमेंट ब्रांड है और अभी भी उसी प्राइस पर अड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उस सब टीवीज को इस वीडियो पर कंसिडर नहीं किया है। और यहाँ पर जो टॉप 10 टीवीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये है दोस्तों, आपको जैसे कि बताया बेस्ट ऑन प्राइस आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, आपको अच्छा कस्टमर सर्विस भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि टीवी एक लार्जर अप्लायंस है, आपको कभी भी टीवी पर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आज अर्ली एज पॉसिबल आपका डोर स्टेप पर आपको अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, सो नंबर टू। नंबर थ्री, सारे के सारे टीवी जो है फ्लिपकार्ट पर अभी अवेलेबल है। नंबर फोर, मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाती है, सो बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो मिनिमम जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस मिलेगी वो है दोस्तों, किसी में सिंगल बैंड वाईफाई है तो किसी में डबल बैंड वाईफाई है, वही थोड़ी आपको कनेक्टिविटी में थोड़ा मेजर डिफरेंस मिलेगी, और HDMI का पोर्ट वर्सन। अपार्ट फ्रॉम दिस टू आपको और ऐसे कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। ये 10 टीवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग जब 10 टीवीज का बारे में बात करने वाले हैं, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि एक QLED टीवी और एक DLED टीवी प्राइस जो है सेम है, आप किसको कंसिडर करना चाहिए, या फिर स्पेसिफिकेशन सेम है किसको कंसिडर करनी चाहिए, वो भी हम लोग इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो का एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपको इजी रहेगी कि आप अपने फेवराइट 4K 43 इंच टीवी को चूज करने के लिए, वो भी फ्लिपकार्ट से। सो वीडियो का आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मणधर, आप देख रहे टेक इल्यूजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, 2 वीक्स बैक लॉन्च हुआ था, मैंने उसका डिटेल वीडियो बनाया था। तो ये है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, सैमसंग क्रिस्टल 4K विविट, जो कि 43 इंच 4K टीवी है और 2024 एडिशन टीवी है। प्राइस अभी आप देख लो 29,990, यानी 30,000, और लॉन्च प्राइस इससे कहीं 2,500 ज़्यादा था, लेकिन अभी ऑफर पर आपको कम प्राइस पर मिल रहा है, तो ये एक बिल्कुल कंसिडर करने वाला टीवी है से आज का डेट में। ये भी अगर आपको मॉडल नंबर में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये है दोस्तों DU-E70। इस टीवी को आपको क्यों बाई करना है मैं आपको फ्रैंकली बता दे रहा हूँ। यस्टरडे वीडियो में भी मैं बताया था, जब 4K 15 इंच टीवी के बारे में बात कर रहा था, तो देखो भाई सैमसंग 4K क्रिस्टल विजन प्रो या फिर विविड प्रो या फिर विविड, ये किसी भी टीवी पर आपको डल्बी विजन और डल्बी एटमोस का सपोर्ट नहीं मिलती है, ये सबको पता है। बट यहाँ पर आपको ऑफ स्केलिंग HD चैनल के, या फिर आप OTT कंटेंट का बात कर लीजिए, या फिर 4K कंटेंट का बात कर लीजिए, आपको इमेज क्वालिटी जो है बेटर प्रोवाइड करती है इसी प्राइस सेगमेंट पर। अगर आप कंपेरिजन करोगे अदर टीवी, नो डाउट आपको सैमसंग, सोनी, LG जो है इंडिया में अच्छी अपस्केलिंग प्रोवाइड करने वाला ब्रांड है।
सो अगर आप Samsung 4K क्रिस्टल विविड को परचेज करते हो तो आपको नो डाउट अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इस टीवी पर आपको मोशन एक्सीलरेटर देखने को मिल जाती है, इट इज नथिंग बट MEMC, सो मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कॉम्पेंसेशन। सो हर वीडियो में हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करते हैं, तो इस वीडियो में भी कि अगर आपके पास आपका जो टीवी जो परचेज करते हैं अगर उसका MEMC है या फिर मोशन एक्सीलरेटर है तो आपको जो हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट पर ब्लोयर फ्री इमेज प्रोड्यूस होती है, यानी वो जो सीन आप एंजॉय कर रहे हो उसका इन डिटेल आपको विजिबल होगी अगर आपका टीवी पर मोशन एक्सीलरेटर है तो। अगर नहीं है तो वो फिर ब्लोयर दिखने लगेगी। सिमिलरली इस टीवी पर आप क्रिस्टल 4K प्रोसेसर, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है, क्रिस्टल 4K टीवी सीरीज पर ये काफ़ी पॉपुलर है जो प्रोसेसर है, और प्योर कलर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी अच्छी से काम करता है हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। HDR 10 प्लस का भी आपको सपोर्ट मिल जाती है Samsung का 4K क्रिस्टल विविड सीरीज पर। तो Samsung के जितने सारे टीवीज होता है नॉर्मली इनके Tizen OS होता है, सो Tizen OS नो डाउट एक लाइट OS है स्मार्ट टीवी पर, और इसका जो यूजर इंटरफेस पर जो फ्लूडिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अदर स्मार्ट टीवी OS लाइक Google TV एंड Android TV, आपको काफ़ी आपको बेहतरीन फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है Tizen OS, और आपको थोड़ी नेविगेशन थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है Android और Google TV से। सो अगर आप एक Android TV यूजर हो या फिर Google TV यूजर हो, सडनली आप अगर Samsung को स्विच करेंगे तो आपको एक बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है Samsung के Tizen TV OS। और Google TV OS और Android TV OS पर थोड़ी बहुत आपको लैग देखने को मिल जाती है कुछ दिन जाने के बाद, लेकिन यहाँ पर Samsung TV OS यानी Tizen OS TV पर आपको ऐसे कुछ लैग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस है दोस्तों Tizen TV यानी स्मार्ट टीवी OS एंड Google TV Android TV OS, तो यहाँ पर Google TV OS होने का रीजन से आपको जो प्ले स्टोर का जो साइज है यानी एप्लीकेशन स्टोर का जो साइज है Google TV Android TV पर ज़्यादा एप्लीकेशन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर Tizen TV का एप्लीकेशन स्टोर के बारे में बात किया जाए तो नॉर्मल जो रेगुलर ऐप्स होते हैं वो सारे के सारे सपोर्टेड है, लेकिन उतना ह्यूज ऐप स्टोर आप नहीं होता है जब आप कंपैरिजन करते हो Google TV या फिर Android TV के साथ में। Tizen TV OS के साथ में आपको 2GB RAM के साथ में 8GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। सो 2GB RAM Tizen TV OS एक अच्छी कॉम्बिनेशन है, आपको बेटर परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्टेड है इसमें कोई डाउट नहीं। और इस टीवी को आप नॉर्मल अगर आप एक गेमर हो तो आप जो मीडियम जो गेम्स है वो भी आप प्ले कर सकते हो। AI एनर्जी सेविंग मोड दिया गया है, ये नथिंग बट आपको AI ब्राइटनेस, सो बेस्ड ऑन एम्बियंट लाइट आपका रूम का जो लाइटनिंग का हिसाब से स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। सो एक अच्छी फीचर है, सारे टीवीज पर मिलनी चाहिए। 20W साउंड आउटपुट के साथ में क्यू सिम्फनी मोड दिया गया है। सो क्यू सिम्फनी मोड जैसे कि हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं कि साउंड बार का साउंड, अगर आप इस टीवी को साउंड बार के साथ में कनेक्टेड करते हो तो साउंड बार का साउंड और टीवी का साउंड जो आपस में सिंक्रोनाइज होकर आपको एक अच्छी ऑडियो आउटकम्स प्रोवाइड करता है जो कि सुनने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। सो अगर आप, और मैं सजेशन करूंगा कि अगर Samsung 4K क्रिस्टल किसी भी सीरीज को आप बाय करते हो तो वहाँ पर आपको साउंड आउटपुट जो है 20W है। सो ये 20W साउंड आउटपुट आपके लिए सफिशियंट नहीं होगी, सो बेटर है आप इस टीवी को साउंड बार के साथ में यूज करिए सो दैट आप क्यू सिम्फनी मोड का भी आप एंजॉय कर सकते हो। सो नेगेटिव साइड है, आपको 20W साउंड आउटपुट सफिशिएंट नहीं है, हालांकि वोकल जो है क्लियर रहती है। रिमोट पर आपको जो है यूट्यूब का हॉटकी नहीं मिलेगी और आपको वॉइस सर्च भी नहीं मिलती है Samsung Vivid पर। आपको एक USB पोर्ट सिर्फ देखने को मिलती है और AC इनपुट पावर रेंज रहेगी 220 to 240। सो मैं आपको एवरी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप Samsung 4K क्रिस्टल सीरीज को परचेज करते हो तो बेटर है कि आप स्टेबिलाइजर के साथ में यूज करो, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर आपको AC वोल्टेज का इनपुट का प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, यानी लेस देन 220 मोर देन 240 आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। सो ऐसा ऑलरेडी मेरे को प्रॉब्लम फेस हुआ है, मैं बार बार आपको एवरी वीडियो में बताता हूँ। सो आपको स्टेबिलाइजर के साथ में यूज करना सेफ रहेगा। बात ऐसा है कि अब Samsung 4K क्रिस्टल विविट एंड Samsung 4K क्रिस्टल विजन प्रो, ये दोनों के दोनों टीवी में से कौन सा टीवी को चूज करना चाहिए, ये एक जो प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको काफ़ी सिमिलरिटी नजर आएंगे। सो अगर प्राइस का बात किया जाए तो आप देख लीजिए, मैंने 15 डेज बैक एक वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने जिस समय में ये दोनों टीवी लॉन्च हुआ था उस समय में प्राइस देखिए, और आज का डेट में आप प्राइस देखिए फ्लिपकार्ट पर, आपको जो है 2,000 से 4,000 का डिफरेंस आ गया है। सो ऑफर पर ये चल रहा है, ये प्राइस दोबारा इंक्रीज हो जाएगी इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको ये है दोस्तों रिमोट का। Samsung 4K क्रिस्टल विविड पर आपको जो है वॉइस एनेबल्ड रिमोट नहीं मिलती है, वहीं पर Samsung 4K क्रिस्टल विजन प्रो पर आपको वॉइस सर्च एनेबल्ड रिमोट प्रोवाइड की जाती है। अगर आप IoT सेंसर को साइड कर दोगे तो यही है आपको मेजर डिफरेंस। और अभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि ये दोनों में से यानी Samsung 4K क्रिस्टल विविड एंड Samsung 4K क्रिस्टल विजन, ये दोनों टीवी में से कौन सा टीवी को परचेज किया जाए,
तो मेरा तरफ से आपको पोलाइटली सजेशन यही रहेगी कि आप परचेज करो सैमसंग 4K क्रिस्टल विजन प्रो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया था, आप इस वीडियो को जाके एंड तक देखिए, आपको इन डिटेल कंपैरिजन देखने को मिल जाएगी। एक 10 मिनट है, आपको टाइम जो है कंज्यूम होगी, लेकिन आपको काफ़ी एक यूजफुल वीडियो है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में, आज का इस ऑफर डे पर, आज का इस बेस्ड ऑन प्राइस एंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ सैमसंग 4K क्रिस्टल विजन प्रो 4K 43 इंच स्क्रीन साइज। तो ये हमारा दो टीवी। अब टीवी नंबर 3 हम लोग बात करने वाले हैं, टॉप 10। ये है दोस्तों, इस टीवी को सिलेक्ट करने का रीजन ये है दोस्तों कि आपको मैंने जैसे कि बताया, अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये टीवी नंबर 3 है हमारा, TCL के 4K 43 इंच स्मार्ट गूगल टीवी है, जिसका मॉडल जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं 43T6G है। सो इस टीवी पर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाती है, AIPQ पिक्चर इंजन का थ्रू से आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। डल्वी एटमोस एंड डल्वी विजन का भी सपोर्ट मिल जाती है। 2 ईयर वारंटी इस प्रोडक्ट पर प्रोवाइड की जाती है। वॉल माउंट आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। एक 2023 मॉडल का एडिशन का टीवी है और यहाँ पर आपको 30 वाट साउंड आउटपुट, सो डिसेंट साउंड आउटपुट आप एक्सपेक्टेड है इस टीवी पर। एंड आपको AC इनपुट पावर रेंज जो रहेगी 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट, सो विदाउट स्टेबलाइजर भी आप टीवी को यूज कर सकते हो। और इस टीवी पर आपको गेमिंग पर भी डल्बी विजन का ऑप्शन मिल जाती है। 300 नीड्स ब्राइटनेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि 300 ब्राइटनेस ही नीड्स सफिशियंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक QLED टीवी पर 300 ब्राइटनेस ही नीड्स आप डिसेंट कह सकते हो, इतना खराब भी नहीं। MEMC का भी सपोर्ट मिल जाती है। सो जस्ट बिफोर हम लोग डिस्कशन किए हैं, सो MEMC है मतलब आपका टीवी पर जो है पिक्चर क्वालिटी यानी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर हाई स्पीड सीन पर आपको इन डिटेल जो है विजिबल होगी। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ये जितने सारे टीवीज है, जो टॉप 10 टीवी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे बजट प्राइस सेगमेंट टीवीज है। सो यहाँ पर बहुत सारे टीवीज पर ऐसा है कि आपको डल्बी विजन एंड डल्बी विजन IQ यानी डल्बी विजन का कंटेंट को जो अपग्रेड करता है बेस्ड ऑन आपको लाइट सेंसर, उसको डल्बी विजन IQ आप बोलते हो। सो आप डल्बी विजन एंड डल्बी विजन IQ ये बजट प्राइस सेगमेंट पर आपको उतना आइडेंटिकल और उतना एक्यूरेट नहीं लगेगा, बट यस जब एक फीचर दिया गया है तो थोड़ी बहुत आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बट नॉट आइडेंटिकल। आप उतना भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मेरा टीवी पर डल्बी विजन है या फिर डल्बी विजन IQ है, मेरे को सुपर पिक्चर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इस बजट प्राइस सेगमेंट टीवी पर, ऐसा नहीं है। आप डिसेंट कह सकते हो, आप एवरेज कह सकते हो, बट नॉट आउटस्टैंडिंग एंड एक्सलेंट। अब हम लोग बात करते हैं हमारा टीवी नंबर 4। वो है दोस्तों, जैसे कि आपको सब लोग को पता है, उसका अनबॉक्सिंग रिव्यू सेटिंग सब कुछ हमारा चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। वो है VU का ग्लू LED टीवी, 4K 43 स्क्रीन साइज है। अगर आप इस टीवी को परचेज करते हो तो आपको एक होम थिएटर एक्सपीरियंस ये टीवी जो है प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इस टीवी पर आपको 84 वाट का साउंड आउटपुट मिलती है, सो आपको साउंड बार का जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको यहाँ पर 400 नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है VU का ग्लू पैनल के साथ में, सो आपको ब्राइटनेस एंड पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है अच्छी साउंड आउटपुट का साथ में। बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कहाँ पर, कलर एक्यूरेसी, थोड़ी बहुत कलर का यानी सीन का जो कलर है उतना आपको कभी कभी एक दो सीन पर आपको मिसिंग लगती है। हालांकि ये एक माइनर प्रॉब्लम है, आपको उतना भी मेजर डिफरेंस नहीं लगेगी इमेज पर, बट एक्यूरेट नहीं लगती है किसी किसी सीन पर। सो ये एक माइनर प्रॉब्लम आप कह सकते हो जो टीवी पर है, आपको परचेज करने से पहले जानकारी देनी है। इस टीवी पर आपको गूगल टीवी OS का साथ में प्रोवाइड की जाती है, सो गूगल टीवी एक लेटेस्ट टीवी OS है गूगल का तरफ से। और वॉल माउंट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है, लाइट एम्बिएंट सेंसर मिल जाती है, और गेमिंग के लिए भी आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट एंड ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल जाती है। पिक्चर पर आपको क्रिकेट मोड, सिनेमा मोड, काफ़ी डिफरेंट मोड आपको देखने को मिल जाती है। वो सारा मोड को आप एक बार जिस कंटेंट आप प्ले कर रहे हो कंटेंट के हिसाब से आप पिक्चर का मोड भी सेट कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है, मैक्सिमम टीवीज पर आजकल मिल रहा है। और AC इनपुट पावर रेंज का बात किया जाए तो आपको 100 वोल्ट AC टू 240 वोल्ट AC, सो अच्छी AC इनपुट पावर रेंज आपको इस टीवी पर मिल जा रहा है। गूगल टीवी OS नो डाउट आपको बहुत सारे एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन स्टोर पर अवेलेबल होंगे, और जितना सारे रेगुलर ऐप्स है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, डिस्ने हॉटस्टार है, प्राइम वीडियो है, जितना आप बोलोगे सारे के सारे एप्लीकेशन जो है अवेलेबल है।
उसको एक्सेप्टेड दीजिए आप। सो अगर और भी कुछ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, बट इतना सारा एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल मत कर देना कि टीवी जो है स्लो हो जाएगी, ठीक है। गूगल टीवी है, एंड्रॉइड टीवी पर हम लोग करते क्या है कि अननेसेसरी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में कुछ दिन जाने के बाद टीवी जो है स्लो होने लगता है। सो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप जो है मिनिमम एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप रेगुलर यूज करते हैं ऑलरेडी प्री इंस्टॉल होकर टीवी पर आती है, आप उसी एप्लीकेशन के यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप एडिशन करते हो 4 और 5 एप्लीकेशन, इससे ज्यादा अगर आप ऐड करते हो तो टीवी जो है ऑटोमेटिकली आपको स्लो होने लगता है। व्यू ग्लो एलईडी टीवी पर एसेसरीज पर आपको जो है वॉल माउंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक अच्छी बात। ध्यान रखिए, इंडिया में व्यू एक ऐसा ब्रांड है जहां पर आपको अपस्केलिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, कस्टमर सर्विस भी अच्छी देखने को मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी भी नो डाउट काफी बेहतरीन है आज कंपेयर टू अदर बजट प्राइस सेगमेंट टीवी। नेक्स्ट टीवी के बारे में बात किया जाए तो इस टीवी को सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया ये है दोस्त, 450 ब्राइटनेस नीड्स का साथ में IPS पैनल प्रोवाइड की जाती है। सो आपको ब्राइटनेस का कोई कमी नहीं रहेगी और टीवी को आप रूम का किसी भी कॉर्नर पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। एक ओल्ड टीवी है, बेस्ड ऑन इसका प्राइस, इसका जो प्राइस का हिसाब से टीवी जो है बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो ये है दोस्तों कोडाक के आपको CA Pro सीरीज है जिसका मॉडल नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 43 CA Pro 05022। और इस टीवी का सिलेक्शन करने का रीजन इसका ब्राइटनेस एंड IPS पैनल। टीवी पर रिमोट पर आपको सारे के सारे जो हॉट कीज है वो प्रोवाइड की जाती है, एसेसरीज पर आपको वॉल माउंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है और इस टीवी पर भी आपको 100 वोल्ट AC टू 240 वोल्ट AC इनपुट पावर देखने को मिलती है। सो विदाउट स्टेबिलाइजर भी आप इस टीवी को यूज कर सकते हो। क्वाड कोर प्रोसेसर का साथ में 2GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो डाउनसाइड है दोस्तों वो एंड्रॉइड टीवी OS का साथ में इसको प्रोवाइड की जाती है। सो मैंने आपको वीडियो का स्टार्ट में ही बताया कि पैनल और ब्राइटनेस का रीजन का चलते मैं इस ओल्ड टीवी को पिक किया, अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं बनता है। सो अगर आपको एक वाइड व्यूइंग एंगल वाला टीवी चाहिए वो भी हाई ब्राइटनेस का साथ में तो आप इस टीवी को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पर डाउनसाइड है एंड्रॉइड टीवी OS है, एंड्रॉइड 10.0 के साथ में टीवी को प्रोवाइड की जाती है, यही एक डाउनसाइड है। और आपको 2.4 GHz का सिंगल बैंड वाईफाई। तो अगर आपका बजट कम है, उतना ज़्यादा नहीं है और आप नॉर्मली सेटअप बॉक्स का साथ में और थोड़ी बहुत इंटरनेट कंटेंट आप देखते हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आप इस टीवी को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है और प्राइस भी जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं जस्ट आफ्टर डिस्काउंट आपको 21-22,000 पर भी मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टीवी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर भी अगर आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, आपका बजट 22-21,000 या फिर आसपास 20,000 है तो आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हो। आपको इस टीवी पर अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है बेस्ड ऑन प्राइस, मैं आपको बता रहा हूँ। यह है दोस्तों मोटरोला का एनविजन एक सीरीज है, 4K 43 इंच टीवी है और एक स्मार्ट गूगल टीवी OS का साथ में इस टीवी को जो है प्रोवाइड की जाती है। टीवी पर आपको मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर का साथ में 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। 20W साउंड आउटपुट का साथ में डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिल जाती है, सो साउंड भी आप डिसेंट कर सकते हो, वोकल काफी क्लियर रहती है। वाईफाई भी देखने को मिल जाती है 2.4 और 5 GHz का और AC इनपुट पावर रेंज आपको हर टीवी का तरह 100 वोल्ट AC टू 240 वोल्ट AC इनपुट पावर रेंज देखने को मिल जाती है। सो विदाउट स्टेबिलाइजर भी आप टीवी को यूज कर सकते हो। टीवी पर भी अलग अलग पिक्चर मोड आपको देखने को मिल जाती है, सो बेस्ड आपका कंटेंट्स आप पिक्चर का यानी टीवी का सेटिंग कर सकते हो और एक्यूरेट जो कंटेंट है उसको एंजॉय कर सकते हो। देखो इस टीवी का जो प्राइस है जैसे कि मैंने आपको बताया आसपास आपको 20-21,000 रहेगी आफ्टर डिस्काउंट, बट इस टीवी पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आपको स्पेसिफिकेशन पर कौन सा पैनल दिया गया है और ब्राइटनेस नीड्स कितना है वो मेंशन नहीं किया गया। हालांकि बेस्ड ऑन माय एनालिसिस मेरे को ये पता चला जब मैं इंक्वायरी किया है, इस टीवी पर आपको VA पैनल देखने को मिलती है और ब्राइटनेस जो रहेगी आपको मैक्सिमम 300 इन नीड्स। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टीवी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं यह है दोस्तों LG का UR7500 जो कि वेबेस टीवी है, 2023 एडिशन टीवी है और जिसका प्राइस आप देख पा रहे हैं 29,990 जो कि 30,000 है। सी ये जितना प्राइस मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर में डाल रहा हूँ ये फ्लिपकार्ट का करंट प्राइस है विदाउट एनी डिस्काउंट्स। जब आप टीवी को बाय करोगे तो अल्टीमेटली डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट आपको टीवी जो है 1,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 750 रुपीज़ ऐसे आपको डिस्काउंट मिलते जाएगा। सो आपको कम प्राइस पर टीवी को जो है परचेज कर सकते हैं। टीवी पर आपको AI प्रोसेसर जनरेशन 6 देखने को मिल जाती है LG का ग्राफिक्स प्रोसेसर का साथ में, AI ब्राइटनेस और नो डाउट आपको अपस्केलिंग भी इस टीवी पर आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। गेमिंग के लिए आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल जाती है, हालांकि 60Hz स्क्रीन का रिफ्रेश रेट रहेगी सारे टीवीज पर। आपको गेमिंग के लिए मैं सुपर नहीं कह सकती हूँ बट गेमिंग को परफॉर्मेंस आप इस टीवी पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। 20W साउंड आउटपुट
आप वोकल क्लैरिटी रहती है, बट मैं सैमसंग टीवी का तरह यहाँ पर भी ये मेंशन करना चाहूँगा कि 20 वाट साउंड आउटपुट 43 इंच स्क्रीन साइज पर जस्टिफाइड है, बट बड़ा सा हॉल में अगर आप प्लेस करोगे सैमसंग 4K क्रिस्टल सीरीज या फिर LG का UR7500 तो ये सफिशियंट नहीं हो सकती है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ब्रांडेड टीवी होने का बावजूद भी LG यहाँ पर आपको 100 वोल्ट AC टू 240 वोल्ट AC इनपुट पावर रेंज आपको देखने को मिल रहा है, सो एक अच्छी बात है। विदाउट स्टेबलाइजर भी आप टीवी को यूज कर सकते हो। और LG का जो टीवी है वहाँ पर आपको दिया जाता है LG के OBS, सो यहाँ पर भी आपको सैमसंग टीवी का तरह यूजर इंटरफेस पर आपको अच्छी फ्लूडिटी देखने को मिल। डाउन साइड है दोस्तों इसका 60Hz का स्क्रीन का रिफ्रेश रेट और ऑडियो एंड मैजिक रिमोट जो है इस टीवी पर आपको इंक्लूड नहीं किया गया है। टीवी जो है कैपेबल है मैजिक रिमोट को ड्राइव करने के लिए, बट मैजिक रिमोट को फिर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, ये भी एक डाउनसाइड है। अब हमारा नेक्स्ट टीवी के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये है आसर के वी सीरीज QLED टीवी। सो 4K 43 इंच स्क्रीन साइज है सारे के सारे टीवी पर। सो इस टीवी को भी आप परचेज कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो प्राइस है 25,000 विदाउट एनी डिस्काउंट होने के बाद प्राइस जो है कम होगी। सो बेसिकली ये QLED का टीवी है और आपको Google TV वो इसका साथ में प्रोवाइड की जाती है। सो QLED टीवी होने का रीजन से आपको पिक्चर क्वालिटी जो है आज कंपेयर टू DLED थोड़ी शार्प एंड क्वालिटी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन पर। इस टीवी पर आपको डल्बी विजन एंड डल्बी एटमोस का सपोर्ट मिल जाती है, MEMC, HDR10। साउंड आउटपुट का बात करें तो 30 वाट साउंड आउटपुट 4K 43 इंच स्क्रीन साइज पर बिल्कुल जस्टिफाइड है। डुअल बैंड वाईफाई प्रोवाइड की जाती है, सारे पॉपुलर एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल होंगे क्योंकि गूगल TV OS है। और आपको रिमोट पर जो रेगुलर ऐप्स है वो सारे के सारे हॉटकीज प्रोवाइड किए गए हैं, सो आप डायरेक्ट प्रेस करो और लैंड हो जाओ अपने फेवराइट ऐप पर। सो इस टीवी पर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर का साथ में 16GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, VA panel और AC इनपुट पावर रेंज जो रहेगी आपको 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट, सो अच्छी AC इनपुट पावर रेंज भी आप कह सकते हो। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टीवी का बारे में बात किया जाए तो ये है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं आसर के एच प्रो सीरीज 4K 43 इंच स्क्रीन साइज। इसका भी प्राइस है आपको 25,000 रहेगी। ये आसर के एच प्रो सीरीज पर आपको रिमोट जो प्रोवाइड किया गया है सारे के सारे हॉटकीज आपको अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिस्ने हॉटस्टार, प्राइम वीडियो। सो आपको डेडिकेटेड वॉइस सर्च ऑप्शन भी मिल जाती है। ये टीवी पर आपको डल्बी विजन एंड डल्बी एटमोस का सपोर्ट मिल जाएगी। 76 वाट का आपको हाई फिडेलिटी स्पीकर देखने को मिल जाएगी डुअल ऑफर का साथ में, एंड HDR10 का सपोर्ट मिल जाती है, MEMC का सपोर्ट मिल जाती है। सो वॉइस एनेबल सर्च रिमोट भी मिलती है जैसे कि आपको बताया, 380 ब्राइटनेस का साथ में VA पैनल देखने को मिल जाती है। इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबिलाइजेशन इंजन का साथ में आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। लेकिन आपको प्रॉब्लम यहाँ पर यह है दोस्तों कि आसर के वी सीरीज QLED एंड आसर के एच प्रो सीरीज 4K 43 इंच जो प्राइस है दोनों का सेम है 25,000, तो कौन सा टीवी को चूज करना चाहिए? तो यहां पर मैं, अगर आप आसर के एच प्रो सीरीज का ऑडियो का जो आउटपुट है, ऑडियो का जो क्वालिटी है, यानी 76 वाट का हाई फिडेलिटी स्पीकर आपको देखने को मिल जाती है एच प्रो सीरीज पर, सो इसको अगर आप साइड कर दोगी, अगर आपके पास साउंड बार है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेम प्राइस पर, प्राइस जो है विदाउट डिस्काउंट, डिस्काउंट होने के बाद आपको कम होगी, तो आप जो है आसर के वी सीरीज QLED टीवी को आप चूज कर सकते हो। इसका रीजन ये है दोस्तों, अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी आज कंपेयर टू आसर के एच प्रो सीरीज। सो अगर हमारा नेक्स्ट टीवी के बारे में बात किया जाए तो ये है दोस्तों हाइसेंस का A6K। अगर आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है, अगर आपका बजट 21,000 या फिर 20,000 आसपास है, सो डिस्काउंट होने के बाद आपको इसी प्राइस पर टीवी जो है मिल जाएगी। नो डाउट हाइसेंस VU ऐसे ब्रांड है, आपको कम प्राइस पर अच्छी फीचर प्रोवाइड करने वाला ब्रांड है, अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला ब्रांड है। और आप नो डाउट, जैसे कि मैंने वीडियो का आपको स्टार्ट में ही बताया था, आपको कस्टमर सर्विस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, अदरवाइज मैं टीवी को कंसीडर नहीं करता। एक 2023 एडिशन वाला टीवी है, टीवी पर आपको हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल देखने को मिल जाती है, सो विदाउट रिमोट भी आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको डल्बी विजन एंड डल्बी एटमॉस भी सपोर्ट मिल जाती है, हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया उतना आइडेंटिकल नहीं लगेगा, बट एक फीचर है तो आपको थोड़ी बहुत ठीक ठाक आप कह सकते हो। 120Hz स्क्रीन का रिफ्रेश रेट रहेगी, रिमोट प्लस का भी ऑप्शन मिल जाती है आपको यहाँ पर, और आपको रिमोट फाइंडर का ऑप्शन भी आपको इस टीवी पर देखने को मिल जाती है। HDR10 का सपोर्ट मिल जाती है, सो क्वालिटी कंटेंट आप इस प्राइस सेगमेंट टीवी पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। गेमिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑटो लो लेटेंसी मोड एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट 48Hz टू 60Hz आपको देखने को मिल जाती है। इस टीवी पर आपको 100 वोल्ट AC टू 240 वोल्ट AC इनपुट पावर रेंज देखने को मिल जाएगी, सो विदाउट स्टेबलाइजर भी आप टीवी को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। हाइसेंस का इस A6K टीवी पर आपको 2 ईयर का कंप्रेसिव वारंटी प्रोवाइड की जाती है, सो आपको एक्सटेंडेड वारंटी का परचेज करने का जरूरत नहीं है। बात करते हैं फ्रैंकली, आपका बजट का हिसाब से आपको
कौन सा टीवी को चूज करना चाहिए इस ऑफर टाइम पर, फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज ऑफर पर आप परचेज कर सकते हो। बात ऐसा है दोस्तों कि अगर आपका बजट है 30,000 आसपास है, यानी 28,000 to 30,000 है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आज भी सैमसंग 4K क्रिस्टल विजन प्रो पर परचेज करिए। अगर आपका बजट 27,000, 28,000 या फिर 26,000 ऐसा आसपास में है तो आप LG को देख सकते हो। अगर आपका बजट 25,000 है, 24,000, 25,000 है, तो फिर आप Acer के V सीरीज QLED को चूज कर सकते हो। अगर आपका बजट 20,000 आसपास है तो मल्टीपल ऑप्शन है, आप किसी भी टीवी को उठा लो बेस्ड ऑन प्राइस। ये जितने सारे टीवीज है आपको बिल्कुल जस्टिफाइड होंगे, वैल्यू फॉर मनी होंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो थोड़ी यूजफुल होगी अपने फेवरेट 4K 43 इंच टीवी को सिलेक्ट करने के लिए। सो यही था आज का वीडियो। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी यूजफुल लगा, यूनिक लगा, तो ये सारे के सारे टीवी के जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करता हूँ, आप जाके इस लिंक पर जाके देख सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। सो वीडियो अगर अच्छा लगा, यूनिक लगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हो, हमें अगर पहली बार आप देख रहे हो, तो आपका सपोर्ट का हमें काफ़ी ज़रूरत है, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।